आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली कि अगर आपको बैक ऑफिस बीपीओ में काम करना हो, बेसिकली बीपीओ में बैक ऑफिस एक सेक्टर आता है जहाँ पर आपको माइट बी डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, इन्वॉइसेस का काम हो सकता है, एचआर या फिर जो भी मैनेजमेंट लेवल का बैक चेकिंग्स होता है कि जो भी बंदा ज्वाइन होता है या फिर जिस किसी भी कंपनी के साथ किसी कंपनी का टाइप होता है, तो आफ्टर दैट उसका जो चेकिंग्स होता है, सो वो चेकिंग्स की सारी लेवल्स यहाँ पे चेक की जाती है बीपीओ में। तो अगर आप बीपीओ में एज अ बैक ऑफिस के तौर पर ज्वाइन होना चाहते हो, सो आपको इन सारे सेक्टर्स में काम करते आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे चैनल पे मुझे कमेंट मिला था कि एग्जैक्टली बैक ऑफिस में बीपीओ किस तरह से काम करता है। सो इसका आंसर से गाइस कि यहाँ पे आपको डेटा माइनिंग का काम मिल सकता है, डेटा मैनेजमेंट का काम मिल सकता है, या फिर रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम मिल सकता है, एचआर का काम मिल सकता है, बैंकिंग के डॉक्यूमेंटेशन का काम भी मिल सकता है यहाँ पे। तो बहुत सारे काम्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो डेटा मैनेजमेंट का काम है या फिर डेटा वेरिफिकेशन का काम है, लेकिन ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड में आता है। सो कोई कंपनी अगर आपकी जो रिस्पेक्टेड पेरेंटेड कंपनी है, तो वो कंपनी अगर नॉन टेक्निकल होगी तो बेशक आपके पास भी नॉन टेक्निकल वर्क ही आएगा, और अगर वो कंपनी टेक्निकल कंपनी होगी, कोई आईटी बेस्ड कंपनी होगी, सो आपको डायरेक्टली उनका जो बैकएंड सपोर्ट करना है, तो वो आईटी के रिलेटेड या फिर टेक्निकल रिलेटेड काम मिलेगा। सो गाइस आपको आपके कमेंट्स का आंसर्स मिल चुका होगा, फिर भी अगर आपके पास कोई कमेंट हो, किसी पॉइंट्स को लेके आप स्टक हो, तो बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर फॉर दिस कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।